धुरकी में आदिम जनजातीय समुदाय को मिलने वाले राशन का सामाजिक अंकेक्षण का प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में उजागर हुआ अनियमितता। धुरकी प्रखंड कार्यालय में खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग ने PVTG डाकिया योजना का पंचायतवार सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई 5 सदस्यीय ज्यूरी मेंबर के द्वारा किया गया। इस दौरान शनिवार को ज्यूरी सदस्य प्रमुख विनोद कोरवा के समक्ष सोशल ऑडिट यूनिट के सदस्य संतोष पासवान और अनूप यादव ने प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में ज्यूरी सदस्य के समक्ष PVTG डाकिया राशन योजना वितरण में भारी अनियमितता और निर्धारित वजन की मात्रा से कम तथा आंबा खोरिया खुटिया टाटीदिरी व गनियारी कला पंचायत के सभी आदिम जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच निर्धारित वजन मात्रा से कम में राशन वितरण किया गया है, जिसका सत्यापन सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों ने किया है। उक्त बातें सोशल ऑडिट के सदस्यों ने भौतिक रूप से सत्यापन करने के बाद लिखित रूप से ज्यूरी मेंबर को बताया और लिखित सौंपा। सोशल ऑडिट टीम ने ज्यूरी के सदस्यों को लिखित रूप में भौतिक सत्यापन करने के बाद बताया कि आदिम जनजातीय समुदाय के लोगों के घर डोर टू डोर पहुंचकर पूछताछ किया गया था, जिसमें लाभुकों ने बताया कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम और कभी कभी 1 से 2 माह तक का राशन उन्हें प्रखंड खाद्य पदाधिकारी के द्वारा नहीं मिला है। वहीं सोशल ऑडिट की टीम ने यह भी बताया कि PVTG के सभी आदिम जनजातीय समुदाय के कार्डधारी लाभुकों ने अंकेक्षण करने के दौरान बताया कि राशन वितरण के दौरान उन्हें कम मात्रा में मिलता है। वहीं अधिकांश आदिम जनजातीय समुदाय के महिला और पुरुषों ने जन सुनवाई में कहा कि वे लोग अत्यंत ही गरीब हैं, उन्हें PVTG योजना के माध्यम से किसी भी प्रकार का राशन अभी तक नहीं मिलता है। जन सुनवाई के दौरान ज्यूरी सदस्य प्रमुख विनोद कोरवा ने कहा कि PVTG से वंचित सभी आदिम जनजातीय समुदाय के महिला पुरुष का नाम अगले 1 माह के अंदर सूची में दर्ज कराने के लिए जन सुनवाई में निर्णय लिया गया है। वहीं जितने भी PVTG के लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन मिला है, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर प्रमुख विनोद कोरवा के समक्ष सभी लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने के लिए जन सुनवाई में निर्णय लिया गया है। जन सुनवाई के दौरान तेजू कोरवा, रमेश कोरवा के अलावा अन्य लोग आदिम जनजातीय समुदाय के महिला पुरुष मौजूद थे। आज प्रखंड कार्यालय में किस चीज का ऑडिट हो रहा था बताइए, और उस ऑडिट में आप क्या थे? PTG परिवार के जो राशन वितरण हुआ था, हिंदी में बताइए PTG का मतलब क्या होता है? आदिम जनजाति का जो राशन वितरण हुआ था उसी का आज जो है सोशल ऑडिट था, उसी में हम ज्यूरी सदस्य थे। अच्छा, किस तरह का मामला आया सोशल ऑडिट में? मामला आया राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला आया, जो उसमें हम लोग जो है निर्णय लिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर जो है जिसको नहीं राशन मिला है उसको बांट देने का निर्णय लिया गया। वहाँ पर कुछ लाभुक बता रहे थे कि हम लोग को पिछले कई माह से राशन भी नहीं मिला है, क्या यह सच बात था? हाँ, तो आदिम जनजाति का राशन कैसे उनको नहीं मिलता है टाइम पर? टाइम पर शायद पूछने पर पता चला कि राशन जो है नहीं मिल, विलम्ब होने के कारण नहीं मिला था, लेकिन इसको जांच के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए ऑडिट में मतलब जो आदिम जनजाति का जो राशन मिलता है इसमें बहुत सारी अनियमितताएं मिली वितरण से संबंधित? हाँ, मिली है। और इसमें वैसे भी लाभुक थे जिनके नाम से था उनके सदस्य, मतलब जो मृत हो गए हैं उनके नाम पर भी उनके परिजन लोग राशन उठाते थे, ये भी सत्य है ना? हाँ, कि ऐसे तो अभी कोई मामला नहीं। सब ऑडिट में कुल मिला जुला के यही मामला सामने आया कि अनियमितताएं हुई है आदिम जनजाति वाला राशन वितरण में ना? हाँ, हुई है।